अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिना हरी मिर्च के आलू की कतली बनाना सिखाऊंगी, सिर्फ तीन चीज़ों से, बहुत ही आसानी से। सबसे पहले हम तेल डालेंगे कढ़ाई में, मैंने यहाँ आधा किलो आलू लिए हैं, आप आपके हिसाब से ले लेना अकॉर्डिंग जितने आपके घर में लगते हो। दो कटे हुए टमाटर हैं, ये दो कटी हुई प्याज है, आधा किलो आलू है, ये देखिए आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच राई, प्याज, प्याज को हम सेलो फ्राई होने देंगे। प्याज गोल्डन हो चुकी है बिल्कुल, अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हमारे टमाटर मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स आलू। मैंने इनका पानी निकाल लिया है, इन्हें हम मिक्स कर रहे हैं। अब हम इनको 5 मिनट ढककर पकने के लिए रहने देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार, आपके घर में कम लगता है या ज़्यादा। अब हम इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे, 10 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में 1-2 बार चलाएंगे। ये देखिए अभी हमारे आलू में थोड़ी कसर बाकी है, अभी ये थोड़े कच्चे हैं, हम इन्हें 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके, 5 मिनट बाद खोल कर देखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम हमारी सब्जी खोल कर देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिना हरी मिर्ची की हमारी आलू की सब्जी बिल्कुल रेडी। अब हम इसे बाउल में सर्व करेंगे, हमने गैस बंद कर दिया है। ये हमारी टेस्टी आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है, यम्मी और टेस्टी आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।